हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नॉलेज पैसिफिक में। क्या डिप्रेशन कोई फिजिकल डिसीज है? नहीं, डिप्रेशन कोई फिजिकल डिसीज नहीं है। डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब कोई इंसान हैप्पीनेस की स्टेट में होता है तो डिफिकल्ट सिचुएशन में वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बना लेता है। उसके माइंड में विचार चलते रहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, नेगेटिव थॉट्स उसे घेरने लगते हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं कि उनके मार्क्स कम हैं। मैंने न्यूज़ में एक बार पढ़ा था कि एक स्टूडेंट ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका गोल 98% मार्क्स का था और उसे 96% मार्क्स मिले। मुझे ये नहीं पता आपकी ज़िंदगी में किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन ज़िंदगी को एक खेल की तरह खेलो। ज़िंदगी एक बैड इवेंट से ख़त्म नहीं होती। इस बैड इवेंट के बाद हज़ारों लाखों इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी। सूरज की एक छोटी सी किरण कितने भी घने अंधेरे को चीर के रख देती है। आज लाइफ में गम है तो कल खुशियां भी आएंगी। जो चला गया उसे जाने दो। आप जिंदगी में तब तक नहीं हारते हो जब तक आप मान नहीं लेते कि आप हार गए हो। डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ टिप्स हैं, अगर जिनको आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। चेंज योर बॉडी पोस्चर एंड वॉइस टोन। जब भी आप डिप्रेस्ड होते हैं आपके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर डिफरेंट होता है। आपके हाथ या तो मुंह पे होते हैं या सिर पे, और आपके शोल्डर झुके होते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपकी वॉइस टोन काफ़ी धीमी होती है। जब भी आप इस तरह की डिप्रेस सिचुएशन में हो तो खुद को केयरफुली ऑब्जर्व करो। अगर आपके हाथ मुंह या सिर पे हैं तो खड़े हो जाओ और शोल्डर को स्ट्रेच करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। और आपके मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो खुद से कुछ पॉजिटिव बात करो। अगर आपकी जॉब चली गई है तो आप खुद से ये बोलिए कि मैं दूसरी जॉब ढूंढ सकता हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप खुद से बोल सकते हैं कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। मेरे बोलने का मतलब है कि प्रॉब्लम को देख के मत रोइए, उसके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। इफ़ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ़ यू थिंक यू कांट यू आर राइट। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप राइट हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो आप राइट हो। मेरे विलेज में एक मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन जब भी वो किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं जो फाइनेंशियली उनसे स्ट्रांग है तो उनका बॉडी पोस्चर और वॉइस टोन हाई हो जाती है। वो अपने शोल्डर को स्ट्रेच कर लेते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। इससे उनके माइंड को ये सिग्नल जाता है कि वो खुश हैं। वो चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरे पास है वो है, उन्होंने ये चीज़ें कहीं से सीखी नहीं है, वो उनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड है। इस टेक्निक के बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है। डोपामाइन हमें खुश रहने में काफ़ी हेल्प करता है और ये साइंस ने प्रूव किया है। आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिप्स या क्रंचेज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प करती है। मेडिटेशन से आप अपने नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना सीख जाते हैं। डिप्रेशन आपके अंदर तब पैदा होता है जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बैठने लगते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी हो जाते हैं। काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि मेडिटेशन से डिप्रेशन को ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा मेडिटेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से मेडिटेशन सीख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड करें। आप 5 मिनट मॉर्निंग में फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और 5 मिनट ही मेडिटेशन कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। डिप्रेशन से निपटने के लिए आपको सेरोटोनिन एनहेंसिंग डाइट यूज़ करनी है। सेरोटोनिन हमारे नर्वस सिस्टम में होता है जो हमें खुश रखता है। अपना सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आप एग्स खा सकते हैं। एग्स में ओमेगा फैट 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज़ करता है। आप पनीर खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल नट्स एंड सीड भी खा सकते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि सनलाइट भी आपके सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप थोड़ी देर धूप में टहल सकते हैं जिससे कि आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ हो जाए। एक लॉन्ग टाइम डिप्रेशन काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। डिप्रेस्ड पेशेंट सुसाइड के बारे में सोचने लगता है और उसका हेल्थ काफ़ी गिरने लगता है। उन केसेस में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें साइकोथेरेपी की जाती है और कुछ मेडिकेशन दी जाती है। इस तरह के केसेस में आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन हमारी लाइफ की क्वालिटी को कम कर देता है, हमारा करियर भी डिप्रेशन से बर्बाद होने लगता है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप क्योर नहीं कर सकते हैं।
डिप्रेशन को टैकल करने के लिए आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपको सोशल सर्कल को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने किसी भी अच्छे फ्रेंड से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। आप जब किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो आपके मन से एक बड़ा बोझ निकल जाता है और आप अच्छा फील करते हैं। आप जर्नल लिख सकते हैं, आप एक छोटी सी डायरी में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को डायरी में लिखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके मन में कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और आप इन थॉट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगी। ये टेक्निक्स आपको डिप्रेशन में ही मदद नहीं करेंगी बल्कि आपको खुश रहने में भी मदद करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।